اشتركوا
को बजाया और सारे जीव जंतु वहां से भागे, लेकिन वहां पर एक अंडा पड़ा हुआ था। सुंदर अंडा एक पुराना, अमर कथा को सुन सगवाना, परफेक्ट हो गया। जाना पड़ी अंडे से निकले सुख सावत ने। अब पोते ने जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ को, तो सोच लिए भागा सुरा का बच्चा अति भय खाया, सुरा का बच्चा अति भय खाया, व्यास मुनि की कुटी उस समय व्यास मुनि की पत्नी जिन्हें बांका कहा जाता है, और अपने स्नान करके अपने केशों को सुखा रही थी। उसी समय जैसे ही जम्हाई आई, सूरा का बच्चा अति भय खाया, व्यास मुनि की कुटी पे आया, व्यास मुनि की कुटी पे आया, मुनि पत्नी के मुख में समाया, मुनि पत्नी के मुख में समाया, मुनि पत्नी राम हरि राम।